सुनो सुनो देशवासियों, इस बार पटाखे नहीं जलाएंगे, हम सभी परिवार दीपावली मनाएंगे, लेकिन पटाखे नहीं जलाएंगे। सबसे पहले मानव की महत्वपूर्ण जीवन हम बचाएंगे, देश में पटाखे नहीं जलाएंगे, देश में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। जी हां, आप भी अपने जीवन के लिए जागिए, अब नहीं जागे तो कब जागेंगे। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण की सफर में आपको जगाने के लिए आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया का सबसे प्रदूषित हवा आज जिस तरह से दिल्ली में बह रहा है, आपको बता दूं, दूसरा जो है चीन का है। और IQ का जो रिपोर्ट आई है, उसे पता चलता है कि दिल्ली में सबसे अधिक जो है प्रदूषित हवा बह रही है, और यह हवा जो है मानव के लिए बहुत बड़ा घातक है। तो आप सभी से विनती है कि पर्यावरण को बचाना है तो सबसे पहले किसान भाई जो दिल्ली के आसपास पराली जला रहे हैं वो बिल्कुल न जलाएं, कूड़े करकट जो जला रहे हैं बिल्कुल न जलाएं, पॉलीथीन जला रहे हैं उसे न जलाएं, टायर वगैरह यदि जलाते हैं तो उसे भी न जलाएं। आपका यही एक उपाय है कि आप सभी लोग सुबह सुबह उठकर पेड़ पौधे लगाते रहिए, और पर्यावरण को साफ करने के लिए आप सभी लोग हमेशा चिंतित रहिए। और मानव को यदि बचना है, बचाना है, तो सबसे पहले पर्यावरण को स्वच्छ करना है। तो आप सभी लोग सरकार के दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करते रहें। आओ चलें इस सफ़र में, हम सफ़र बने और पर्यावरण की ज्योति जगाने। आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली का शुभ अवसर पर। जिस तरह से आज हम सब आगे उठो जागो और सुबह हुआ है, सभी लोग पेड़ पौधे लगाने, और आइए हम सब यदि सुबह सुबह उठते हैं और पेड़ पौधे लगाते हैं और अपने आप को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए योगा करते हैं, तो सबसे पहले आपका तन मन सब चीज़ स्वस्थ रहेगा, और आपकी जो है रक्तचाप तेज़ी से चलेगा, और आप हमेशा स्वस्थ सुंदर रहेंगे और आप हमेशा अच्छे कार्य करेंगे। तो आइए, इस पर्यावरण को शुद्ध करना है तो हम सब मिलकर सुबह सुबह पेड़ पौधे लगाते रहें और दुनिया को हरी भरी सुंदरता दिखाते रहें और हवाओं के साथ चलते रहें। आपके पेड़ लगाने से एक ही जो है हवा ही नहीं मिलता, बहुत कुछ इसमें मिलती है, जिसमें कि चिड़िया और जो है बहुत सारे जीव जंतु बैठने का उन्हें मिलता है, उन्हें घर बनाने का अवसर मिलता है, और आप सभी को जो है खुशियाँ मिलती हैं। जब हरा भरा नज़ारा दिखाई देता है, पेड़ पौधे दिखाई देता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो आइए, हम सब पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाना है तो प्रयासरत के आगे बढ़ना है। और दिल्ली में जिस तरह से देखा जा रहा है कि IQ ईयर जो है रिपोर्ट दे रही है कि यह जो है दुनिया का सबसे अधिक जो है प्रदूषित हवा दिल्ली में है, और यह जो है मानव के लिए सबसे खतरनाक है। और आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग पेड़ पौधे के बारे में सोचते रहें, लगाते रहें और आगे बढ़ते रहें, और मानव को हमेशा जो है एकता में बांटते रहें, और हमेशा आप उनके सुख दुख में साथी हों। और पर्यावरण को स्वच्छ करना है तो सभी को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे नौयुवा हो, सभी लोगों को आगे चलकर बढ़ चढ़कर आगे कार्य करना चाहिए और पेड़ पौधे लगाना चाहिए। हमें आसमान की क्लियर चाहिए, हमें आसमान स्वच्छ चाहिए, हमें आसमान की धरातल की जो दुनिया है वह स्वच्छ और सुंदरता के आगे बढ़ना चाहिए। पर्यावरण को लेकर आज दिल्ली में सभी चिंतित हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, आज सभी पर्यावरण को लेकर काफ़ी गंभीरता से कदम उठा रहे हैं। और यह कदम क्यों ना उठाएं, क्योंकि मानव की हित की कार्य है, और मानव जब आगे बढ़ने का प्रयास करता है और आगे बढ़ता है तो मानवता का एक अलग सूचकांक तैयार होती है। तो आइए, हम सब धरती माँ को स्वच्छ करें और आकाश को एकदम क्लीन करें, और इसके लिए मानव ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है और मानव ही सबसे बड़ा जो है कर्तव्य वाला है। तो आइए, मानव सब कुछ कर सकता है, आकाश पाताल एक कर सकता है, जीव जंतुओं को सेवा दे सकता है, जीव जंतुओं को दया दे सकता है, और मानव हमेशा जो है संकट में खड़ा हो सकता है। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि जिस तरह से सरकार दिशा निर्देश दे रही है
कि आप पर्यावरण को जो है स्वच्छ सुंदर बनाना है और प्रदूषण को बाय बाय करना है। तो शहर हो या गांव हो, सभी लोग मिलजुल कर हम सब आगे बढ़ें और काम करें और इस मुकाम तक पहुँचे कि पूरा आकाश पाताल हम सब स्वच्छ सुंदर बनाएं और हमेशा स्वच्छ हवा के साथ चलें। और आपसे विनती भी है कि आप हमेशा अपने आप को जो है हवा खाना है तो सुबह उठिए और पेड़ पौधे लगाते रहिए, एक नाम कमाते रहिए। यदि आप शादी विवाह के अवसर है, यदि आपका सालगिरह है या शादी है, तो एक पेड़ आप लगा दीजिए। उससे पता लगता है कि ये कितने साल का पेड़ हो गया। आप पेड़ लगाने से ही बहादुरी नहीं है, आप उसकी रक्षा सुरक्षा भी आपको ही करना है, उसमें पानी भी आपको ही डालना है। तो आइए हम सब मिलकर पेड़ पौधे लगाएं, तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।